और हम लोग का ये ट्रस कैसा बनाया हुआ है देखो, ट्रस इधर देखो, लाइनर ही डल रहा है धीरे धीरे, बीच में 3 डला है, 4 या 5 डलना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है श्री राम रैली बहेसर, जो है तिल्दा नेवरा के पास है बहेसर, जो अपन पिछले साल गए थे श्री राम जी की रैली में, और इस बार फिर से जा रहे हैं 12 बेस और 16 सारपी का सेटअप लेके। और इस बार का 16 सारफी कुछ अलग बनाया है, जो आप देख ही रहे हैं ट्रस में कुछ इस तरह। ये कैसा बनाया हुआ है देखो, ट्रस यहाँ पर है, अपन पाइप डाल के इसको बांधे हैं बाहर निकाल के। ये सेटअप कैसा दिख रहा है अभी कमेंट करके बताओ, और कैसा चलेगा वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और अभी इसका प्रोग्रामिंग आपको दिखाते हैं, बस कंटिन्यू रहना। हमारा डीजी काम करने गया है, तो ये 20 के जेनसेट में अपन इसका प्रोग्रामिंग करेंगे फटफट कंझट में, तो आप लोग बस कंटिन्यू रहो और एंजॉय करो। आज के हमारे इस व्लॉग में स्वागत है, ठीक है, तो एंजॉय करते हैं बहेसर में। कल बहेसर के लिए आप सब रेडी रहें, अगर बहेसर वाले भाई लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट और जय श्री राम जरूर लिखेंगे, ठीक है। और ये पहली बार कुछ ऐसा टाइप का बांधे हैं, पहली बार बांधे, कभी आज तक नहीं बांधे थे, और ये हम बांधे हैं किसी का देख के समृद्धि आइडियो, जिसको देख के मैं, वो 24 सारफी बांधे थे, ऐसा 6 छल्ली था, अपन 4 छल्ली किए हैं क्योंकि 16 सारफी बांधना था। तो समृद्धि आइडियो से अपन सीख लेके ऐसा बांधे हैं, तो कहीं ना कहीं से सीख लेना ज़रूरी है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है सेटअप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है एक दूसरे देख के सीखना, और कोशिश रहता है, प्रयास रहता है कि कुछ लोग का जनरेटर भी ऑन हो गया जिसका कंजटा को सुनाई दे रहा होगा, और लाइटें भी ऑन हो गई है, मूवमेंट चल रहा धीरे धीरे, पानी का मौसम बना है इसलिए पहले से तिरपाल विरपाल निकाल के रखे हैं ताकि पानी गिरने से पहले ही ढक दे। मेरा दोनों पायलट रेडी है, कभी दो गाड़ी काम रहता तो एक ही पायलट में सार्फी और स्टॉप दोनों चलाता हूँ, लेकिन आज एक ही गाड़ी काम है तो एक में स्टॉप और एक में सार्फी, ठीक रहेगा ना। ये नया है, नया 37, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लाइट का कलर एक जैसा है ना। बाबा प्रोग्रामिंग हो गया, और बस कमेंट करके बताओ कि आज का प्रोग्रामिंग कैसा था, सेटअप कैसा लग रहा है। बाकी साउंड चेक के साथ कल पे एक बार लाइट टेस्टिंग आपको दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉप का अभी प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं, हड़बड़ी में जनरेटर था, फटफट कंझट लग रहा था, तो जैसे तैसे प्रोग्रामिंग कर लिए हैं, और बस कमेंट करके बताओ कि ये सेटअप कैसा लग रहा है, बाकी सब कल, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अभी सेटअप को भी तिरपाल वाल मारेंगे, तिरपाल यहाँ पर रखा हुआ है जमीन में, तो चलो बाय बाय, तिरपाल वाल पैक करके अपन निकलेंगे घर की ओर, तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गया है, अब बारी है तिरपाल खोल के, नेम बोर्ड, सिंगल लाइनरे और कुछ वायरिंग, लेजर वेजर, धुआं मशीन, पायलट वायलट सबको डालना बचा हुआ है। अभी तिरपाल खोलेगा, उसके बाद ये लाइनरे और ट्रस के बीच सामने में लगाने का प्लान है, देखते हैं कैसा लगता है। चलो कंटिन्यू रहो साउंड चेक के लिए। और जस्ट अभी इस हमारे गाड़ी से ये डीजी को क्रेन ऐसे उठा के उसमें डालेगा, क्योंकि डीजी में चलेगा ना ब्रो, क्यों तब तो मज़ा आएगा। तो ये सब अभी होना है, इधर काम भी चल रहा है, प्रोसेस में है, उसका सेटअप खुल के रेडी हो गया, तिरपाल वरपाल अभी पैक कर रहे हैं। और हम लोग का ये ट्रस कैसा बनाया हुआ है देखो, ट्रस फिर वहाँ पर पाइप निकाले हैं, पाइप में लाइट लटका हुआ है, तो ये सही है, और
छह लाइनर है बट ये दो नीचे का लाइनर है तो दब गया है, तो चार ही काम का है। और ये सिंगल जो है इस बीच में ट्रस के बीच में ऐसे डालेंगे मेरे हिसाब से, और दिखाते हैं पास से क्या क्या है। और इधर 16 सारपी और 8 स्ट्रॉप डाला हुआ है, और इसी बीच में लाइनर को रखेंगे ऐसे, तब तो बजेगा सामने। और अंदर में क्या क्या डाला हुआ है वो दिखाता हूँ, किसके सामने, कोई तो होगा अंदर। अंदर है डीजे गोलू। गोलू एक्सक्यूज मी भाई, बता अंदर में क्या क्या डालने वाला है। वैसे वैसे मशीन के बारे में जानकारी दे। हाँ ये देखो 3 ठो GS 2501 और उधर 4 चैनल वाला, और कौन कौन सा मशीन है। दिमाग काम नहीं कर रहे गोलू का। अभी यहाँ पर डीजी डालना है, पूरा गाड़ी खाली है। लाइन से 5 ठो सिंगल लाइनर डलेगा, और उसके लिए यहाँ पर फ्रेम बनाया जा रहा है ट्रस डाल के, यहीं पर रखना है ना ऐसे, और ऐसे रखते 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 ऊपर तक जाएगा, 5 ठो डलेगा तो जाके 10 फीट होगा। हैं 2 ठो लाइनर है बट समझ नहीं आ रहा है, लाइट टकरा रहा है इसलिए। डीजे माऊ कन्फ्यूजन में। हाँ अब ठीक है, आपको लाइट टकरा रहा था तो सामने था तो लाइट टकरा रहा था, पीछे हो गया तो इस पर कौन नहीं लगेगा, सब में लोचे बाबा। और अब बारी है डीजी को इस गाड़ी से उस गाड़ी में डलवाने का, और हम पहुंच गए हैं क्रेन के पास। उधर क्रेन भी खड़ी है, हमारी डीजी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इसको उठा के अपन डलवाएंगे डीजे गाड़ी में, क्योंकि दो दो गाड़ी में हेडेक हो जाता है यार, इसलिए एक ही गाड़ी चलेगी। और जिसमें लाइनर डाल रहे थे बीच में वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसलिए उसको निकाल कर भी ऊपर डाल दिए हैं। इसी के साथ हमारा डीजी लोड हो गया है, और उधर नेम बोर्ड डाल रहे हैं। नेम बोर्ड डाल भाई, क्योंकि बिना नेम बोर्ड का तो मज़ा ही नहीं आएगा क्या, इतना प्यारा सेटअप बांधे हैं तो नेम बोर्ड तो बनता है। इधर विनायक, इधर अंगद भाई, क्या बोल दी पब्लिक, मजा आएंगे ना आज बहेसर में। बहेसर है, बहर नहीं है यार, बहेसर है। फिलहाल नेम बोर्ड भी हमारा बंधा रहा है वहाँ पर, देखो अंगद लाइट। संजय जाना ऊपर वो साइड भी, कि नेम बोर्ड बांध देना भाई। हम लोग पूरा गैंग के साथ निकले हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग सामने बैठ के, बाकी बराती पीछे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और हम लोग इस रूट से होते हुए बहेसर जा रहे हैं, ऐसे जाके इधर मुड़ेंगे रायपुर रूट से तिलदानेवरा होते माऊ। हाँ पहले तो इधर टर्न करेंगे, और श्री राम जी के बारात में माहौल बनाने के लिए डीजे सागर, डीजे अग्नि, डीजे गोलू, डीजे नन्हे, डीजे मैं, डीजे माऊ, श्री राम जी के भाव में बरात। माया के मोनी खवाई पगली हो गए ना।
दूध पीना हो गया। फिलहाल है हम ग्राम बहेसर में, क्योंकि बाजार लगा हुआ है। देखो ग्राम बहेसर गगा ग्रामीण हाट परियोजना ग्राम बहेसर, वहीं पर अपन बाजार के सामने खड़े हैं हमारे डीजे सेटअप लेके। और फिर आपको पूरा लाइनरें वाइनरें बनाने के बाद आपको साउंड टेस्टिंग और लाइट टेस्टिंग दोनों दिखाएंगे इस डीजे सागर के साथ। नेम बोर्ड को सीधा करो रे बाबा, और ट्रस्ट डालना है ना वहाँ पर, 8 फीट का ट्रस्ट डालेगा उसके बाद नेम बोर्ड डालेगा। अभी तो यू ही लगा दिए हैं, नेम बोर्ड को बांधो रे भाई अच्छे से। साउंड टेस्टिंग के लिए रेडी रहना। उधर लाइनर को भी उतार रहे हैं सामने डालने के लिए। उधर हमारा बोर्ड का थोड़ा सा सर्विस चल रहा है, तार कट गया था उसका, और सामने डलेगा लाइनर 4 या 5 तो ऐसे पूरे ऐसे करके। इधर देखो लाइनर डाल रहा है धीरे धीरे, बीच में 3 तो डला है, 4 या 5 तो डालना है। बहुत मुश्किल हो रहा है डालने में, लेकिन डालना जरूरी है। यहाँ पर देखो सेटअप पूरा रेडी है और अपन बस्ती के अंदर घुस रहे हैं सेटअप ऑन करने के लिए। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर यहाँ पर ऑन होगा। इधर समाज पूरे समिति के भाई लोग भी साथ जा रहे हैं। और सेटअप देखो कैसा लग रहा है, ऊपर ट्रस्ट डल के नेम बोर्ड भी डल गया है और बीच में 4 लाइनरें भी। भाई साले बुच्ची 3 फेज केबल को हाथ में पकड़ था, अच्छा वो लाइट गोल था तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो निकाले निपट गया होता अब भी। यहीं से निकलना है रैली, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे और साउंड टेस्टिंग लाइट टेस्टिंग दोनों सुनाएंगे आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल यहाँ पर साउंड टेस्टिंग और लाइट प्रोग्रामिंग का वीडियो आपको दिखाते हैं और यहीं से स्टार्ट होना है। ये रहा हनुमान मंदिर और यहीं से स्टार्ट होना है और जस्ट आपको साउंड टेस्टिंग सुनाने वाले हैं, आप बस लाइन से देखते जाइए बस। यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गया है, आरती स्टार्ट होने के बाद रैली प्रारंभ होगा।
बहे सर का प्रोग्राम हो गया सक्सेसफुल श्री राम रैली का, और हम वहाँ से निकल के अभी ढाबे में खड़े हैं, काना ढाबा बिलासपुर के पास है, सॉरी सरगांव के पास, और सेटअप खड़ी है अभी, सारे लोग खाना ना खा लिए हैं और हमारे भाई लोग भी उधर खाना खा रहे हैं, उधर दिखाता हूँ। और आज का बहसर का रैली कैसा लगा, आज का सेटअप कैसा लगा, साउंड क्वालिटी, लाइट का डिज़ाइन सब कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग क्या रहेगा, मेरे हिसाब से नेक्स्ट व्लॉग रहेगा बिलासपुर उर्स का, और उसके बाद फिर बड़ा सेटअप बांकी बोंगरा, उससे जस्ट बाद सिरपुर, बड़ा सेटअप है 12x20 RP 24x24 RP का सेटअप, तो आप वो सब भी देखेंगे, कंटिन्यू रहेंगे तभी देख पाएंगे, ठीक है। तो आज का कैसा रहा कमेंट कर बताओ और मेरा मनोबल बढ़ाओ, और बहेसर वाले भाई लोग अगर देख रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं बाबा नेक्स्ट व्लॉग में।